रहते हो गुजरांवाला में और आपके घर की बिजली ख़राब हो जाए, तो क्या इलेक्ट्रिशियन जो है आप क्वेटा से बुलाना चाहेंगे? एक दिन का जो उस प्रोड्यूसर को पैसे पड़ते हैं वो 15 से 20 लाख हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी कास्ट है, 3-4 लाख उनका होगा और वो बड़ी फेमस है और बड़ा पैसा कमाते हैं। इतने पैसे तो एक्टर्स भी नहीं कमा रहे। आगे हम बात कर लेते हैं क्योंकि एक्टिंग वर्कशॉप का बहुत पूछते हैं सारे। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि सारा ख्वातीन के बारे में है, उसमें सब ख्वातीन काम कर रही होंगी, औरतें होंगी। अभी कुछ दिन पहले हमने कास्टिंग की, तो वो कास्टिंग मैंने अपने फेसबुक पे लगाई कि हमें इस तरह के लोग चाहिए। क्योंकि अगर आप उनकी मर्जी के खिलाफ घर से निकल जाएंगे, आप चले जाएंगे कराची या लाहौर आ जाएंगे और यहाँ आप स्ट्रगल करेंगे, और क्योंकि आपके पास मॉरल सपोर्ट नहीं होगी माँ बाप की, बहन भाइयों की, सारा वक्त आपका दिमाग उस पर चलता रहेगा कि आज फलां रिश्तेदार ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, और माँ बाप इस बात पे परेशान हो गए। एक इवेंट था घर में, सारे लोग मौजूद थे, आप नहीं थे, सारे आपका पूछते रहे, तो इन चीज़ों का बर्डन आपके दिमाग पे पड़ता रहता है। इसको मॉरल बर्डन कहते हैं या इमोशनल बर्डन कहते हैं। तो आप अपने स्ट्रगल में पूरा दिमाग नहीं लगा सकेंगे। इस फील्ड में पूरा दिमाग लगा के भी काम हो जाए तो बड़ी बात है। अब आधे से ज़्यादा आपका दिमाग उधर लगा होगा और बिल्कुल थोड़े दिमाग के साथ 25% ब्रेन आप यूज़ करके इस फील्ड में कोई नाम बना नहीं पाएंगे। तो क्या होगा कि खुदा ना खास्ता आप इसमें नाकाम हो जाएंगे। अब वो लोग भी नाराज़ हैं और आप नाकाम भी हैं, तो ये भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो फ़र्ज़ करते हैं आप इधर आके कामयाब हो गए। जब आप कामयाब हो गए, आप ड्रामों में आ रहे हैं, तो जब आप ड्रामों में आप हीरो बन गए लेकिन आपके माँ बाप आपको प्यार नहीं करते और आप अपने घर वापस नहीं जाते और वो आपको बुलाते नहीं, आपसे बात नहीं करते, तो आपको और ज़्यादा दुख होगा कि ये मैंने क्या किया, कि सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने ये किया। 4 लोग देख रहे हैं, सेल्फी बनवा रहे हैं, और वो भी टफ कंपटीशन होता है। 2-3 ड्रामों से आप आउट हो जाएंगे, उसके बाद आपको बुलाएगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं। फिर आपको वो मॉरल सपोर्ट चाहिए होगी, फिर आप इमोशनली बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका, तो फिर आप सोचेंगे ये मैंने क्या किया, ये तो वर्थ इट ही नहीं था। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए इसमें ना होश से काम लेने का ये वक्त है। ये जोश वाला टाइम जो होता था ना पहले के एक्टर होने का जोश, वो चला गया। अब ये प्लानिंग का दौर है और सोच समझ के चीज़ें करें। मैं बिल्कुल किसी को एडवाइस नहीं करता कि उसके घर वाले अगर नहीं मानते तो वो इस फील्ड में आने के लिए उनको उनसे बदतमीज़ी करे या उनको तंग करे। बिल्कुल ऐसा ना करें। आप उन्हीं से आए हैं, आपने उन्हीं के अंदर वापस जाना है, तो इस चीज़ को ना करें। ये 4 दिन की वो है, जो लोग इसको समझ के नहीं करते ना, उनके लिए 4 दिन का एक बूम आता है, वो समझते हैं हम पता नहीं क्या बन गए, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, दोबारा कभी उभर नहीं सकते। ये बड़ा ज़ालिम एक मीडिया है, तो सारी फील्ड ज़ालिम है। एक मीडिया या हम किसी एक चीज़ को कह के उसको ऐसे कर देते हैं लोगों के जहन में, ऐसी बात नहीं। हर जगह पर टफ कंपटीशन है। अगर आपने MBA किया है तो जॉब मिलनी मुश्किल है। अगर आप इंजीनियर हैं तो दुबई में इंजीनियर्स जो हैं वो एक कमरे में 10-10 इंजीनियर सो रहे हैं, तो कंपटीशन हर जगह, इधर भी है। तो मैं इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा इन चीज़ों में बात कर रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के काबिल हुआ हूँ और मैं कम्युनिकेट कर भी रहा हूँ। मोस्टली आप लोगों के सवाल जो हैं वो फजूल होते हैं और आप खुद से मेहनत नहीं करते, सोचते नहीं। एक जैसे कि एक मैसेज आता है कि मैंने एक्टर बनना है, मुझे आप गाइड करें। मैं उनको वो जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें सारा पूरा एक तरीका है कैसे करना है, कहाँ जाना है, फिर एक्टिंग के बारे में वीडियोज़ हैं, एक्टिंग के लेसन्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेके सिखाता हूँ, मैं यूट्यूब पे फ्री में सिखा रहा हूँ, तो वो लेसन्स हैं उसके अंदर, वो मैं उनको लिंक भेजता हूँ। वो उस लिंक को नहीं देखते ना, वो पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो मुझे कहते हैं सर आपने जवाब नहीं दिया। तो फिर मैं कहता हूँ कि ये जो आपको मैंने मैसेज भेजा है या पढ़ें तो सही, इसमें आपने जो पूछा था कि एक्टर बनना है उसमें सारा लिखा हुआ है कि उसका तरीका और कैसे बनना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, वो इस लिंक में मौजूद है। वो वीडियो देखते नहीं, वो कहते हैं सर आप मुझे वैसे बता दें, या कहते हैं इनमें से वो वीडियो मुझे ढूंढ के दे दें जो वो है। तो ऐसे आदमी ने कुछ नहीं बन सकना जो उस लिस्ट में से वीडियो नहीं ढूंढ सकता, जिसके अंदर वो तड़प ही मौजूद नहीं है, जिसके अंदर वो कोशिश करने का जज्बा मौजूद नहीं है, जो अपने लिए मेहनत नहीं कर सकता। दूसरा तरीका फिर यही है कि मुझे अपना एड्रेस सेंड करें, मैं आपके घर आता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, फिर आपका हाथ पकड़ूंगा, फिर किसी डायरेक्टर को आपका हाथ ऐसे पकड़ा दूंगा और कहूंगा कि इसको कास्ट कर लो और इसको हीरो बना दो या हीरोइन बना दो। दूसरा तरीका ये है
जो आपको पता है कि हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा। तो कुछ तो ये चीज़ें थी। फिर दूसरा, जब कोई आपको कहता है ना कि अपनी पिक्चर्स भेज दें, तो किसी भी ऐप, स्नैपचैट या किसी भी ऐप से खींची हुई तस्वीरें जिसमें आपकी गालों पे लाली आई हुई हो, होंठों पे लिपस्टिक लग जाए, वो ना भेजा करें। समझें इस बात को, इस बात को समझें, थोड़ा गूगल किया करें, अपने काम की चीज़ें गूगल करें, ठीक है। सारा दिन फजूल वीडियोज़ और शॉर्ट्स और वो देख देख के सबका जो है ना वो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन सबके दिमाग में घुसी हुई है, जो करने वाले काम है वो कोई कर नहीं रहा। मैंने किसी को कहा कि आप ना थोड़ा रिसर्च करके फिर जाएं, तो वो मुझे कह रही हैं कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे रिसर्च करूँगी। यानी उनको लगता है कि रिसर्च लैब में जाके करनी है या कोई साइंटिस्ट बनना है फिर रिसर्च करनी है। भाई जिस तरह आपने जो ड्रामा देखते हैं, जो आप जो गूगल करके उसको उसका लिंक ढूंढते हैं, उसको यूट्यूब पे ढूंढ के तो वो देखना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से आपने ये ढूंढना है कि जब कोई एक्टर को तस्वीरें भेजने के लिए कहे तो वो तस्वीरें किस तरह की होनी चाहिए। वो तस्वीरें सिंपल होनी चाहिए, वो तस्वीरें इतना इतना एक क्लोजअप होना चाहिए जिसमें आपका फेस आ रहा हो, ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट ना लगा हो, कोई अपने आप को खूबसूरत करने की कोशिश ना करें। एक प्रोफाइल यहाँ से होता है, इस साइड को कहते हैं प्रोफाइल, फिर एक यहाँ से होता है प्रोफाइल, फिर एक जिसमें आप पूरे सीधे खड़े हुए नज़र आते हैं, जिससे आपको आप देख के पता चलता है कि आदमी पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, क्योंकि उसी तरह से कास्ट करना होता है ना उन्होंने। अगर लंबा लड़का कास्ट करना है तो लंबा लड़का नज़र आएगा तो कास्ट करेंगे ना, इसलिए जिसमें एक पूरी हाइट नज़र आ रही हो, एक क्लोजअप हो, फिर आपके लेफ्ट राइट प्रोफाइल्स हों, ये पिक्चर्स होती हैं। वो नहीं होती जिसमें आपने ऐसे किया हो, जिसमें आपने ऐसे किया हो, वो तस्वीरें नहीं चाहिए होती, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं, और उनका वक्त भी ज़ाया करते हैं, और उनके MBs भी ज़ाया करते हैं, क्योंकि तस्वीरें डाउनलोड करने में तो डेटा खर्च होता है। और जो मैं कहता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भेजें, वो ऐसे करके ना वीडियो भेज देते हैं, ऐसे सेल्फी वाला वीडियो सामने लगाएं, किसी चीज़ पर रखें और खड़े होके, और उसका सैंपल भी मौजूद है, उसको देखें और उसे समझें कि बात क्या करनी है। ज़्यादातर लोगों की आवाज़ ही नहीं आ रही होती, बीच में पंखा इतनी तेज़ चल रहा है, पंखा बंद कर दो। दूसरा, या उनको समझ नहीं आती, या उनको लगता है कि पता नहीं किसी फ्रेंड को वीडियो भेज रहे हैं, तो फ्रेंड नहीं है इधर कोई भी, ना किसी, ना फ्रेंड बनने की कोशिश करें, ना ना ये फ्रेंडली है, ना किसी को यहाँ पे भाई बोल लें, ना किसी को यहाँ पे अंकल बोल लें, ना किसी को यहाँ पे कुछ भी बोल लें। मुझे नहीं बोलते, मुझे बोलो ना बोलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आदमी फील्ड में, जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो कोई रिश्तेदारियाँ करने नहीं आए होते। ये छोटे घर इलाकों की नफसियात होती है, छोटे शहरों में सब्ज़ी वाले को भाई ये सब्ज़ी दे दो, कपड़े वाले को भाई ये कितने का है, ठीक है कि भाई कह दो ताकि वो बहन वाली नज़र से देखना शुरू कर दे। ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये नहीं होता। प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग एक दूसरे का नाम लेते हैं या उनका डेजिग्नेशन बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें लोगों को ऐसे रिश्तेदारियां करने का कुछ शौक नहीं होता। जैसे ही आप उनको ये लिखते हैं ना कि भाई मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं आप इतने देर से आपके ड्रामे देख रहा हूँ, तो उस बंदे को सिर्फ समझ आ जाएगी कि यार इसको भी बहुत टाइम लगना है, इसको भी यही नहीं पता। तो ये सारी बातें जो है ना, ये थोड़ा सा इस पर ज़ोर लगाएं, थोड़ा ज़ोर लगाने की कोशिश करें। अब अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिंग वर्कशॉप का बहुत पूछते हैं सारे। तो एक्टिंग वर्कशॉप जो है ना, वो मेरी वजह से नहीं रुकी हुई, या मेरी टीम की वजह से नहीं रुकी हुई। एक्टिंग वर्कशॉप रुकी इसलिए हुई भी है कि पहले एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसके बाद जो अल्हम्ब्रा से हम हॉल लेते हैं, अल्हम्ब्रा जो आर्ट्स काउंसिल वाला हॉल, उसके सारी मैनेजमेंट चेंज हो गई, उनके हेड जो हैं वो चेंज हो गए, जो लोग पहले वाले थे वो रिटायर हो गए, कुछ ट्रांसफ़र हो गए, तो वहाँ पे कोई बंदा अपनी जगह पे उस तरह से मौजूद नहीं कि उस चीज़ों को इस तरह से फंक्शन कर सके। उसके बाद ये चला के उनके कुछ फेस्टिवल्स प्लान हुए हुए थे और वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए। वो हर साल होते हैं तो वो उनको पता होता है कि कैसे करना है, ठीक है। ये एक्टिंग वर्कशॉप जैसी जो चीज़ है, ये हर साल नहीं होती, ये ऑन एंड ऑफ होती है, कभी हुई कभी नहीं हुई। तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटी को कर पाना, इस तरह की एक्टिविटी के लिए ज़ोर लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें किसी को पैसे नहीं मिल रहे होते, किसी को भी। जब पैसे नहीं मिल रहे होते तो किसी की इंटरेस्ट नहीं होती काम करने के लिए, तो बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, मुझे अपने पैसे लगाने पड़ते हैं और टाइम निकालना पड़ता है। फिर इसमें तीसरा फैक्टर यह है कि मैं भी मसरूफ़ था, मैं भी अपने कुछ काम कर रहा था, कमर्शल्स कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो थोड़ी डिले होती जा रही। अभी ये है कि मानसून चल रहा है, अभी बारिशें इतनी हैं, तो अभी आप किसी को बुलाया नहीं जा सकता, उससे पहले गर्मी बहुत थी। अब तीसरी चीज़, चौथी चीज़ इसमें यह है कि लाइट जाती है, तो हॉल्स में अंधेरा हो जाता है,
और वहाँ पे हब्स हो जाता है, फैंस नहीं चलते, एसी नहीं चलता। तो अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ ऐसे नहीं हम कर सकते कि अनाउंस कर दें और 150 बंदा हम वहाँ बुला लें और वो वहाँ आके बेचारा ख्वार होता रहे दूसरे शहरों से। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। तो उस डिले की रीज़न मैं नहीं हूँ, उसकी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो बाकी जो हमारी शॉर्ट फिल्म्स हैं उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, बीच में हमने कुछ बनाई भी हैं, वो भी चल रहे हैं हमारे साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं आगे ख्वातीन को एंगेज करना चाह रहा हूँ, ख्वातीन के लिए काम करना चाह रहा हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि सारा ख्वातीन के बारे में है, उसमें सब ख्वातीन काम कर रही होंगी, औरतें होंगी। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड, मेरे जो जितने भी वीडियोस हैं उसके एंड पे मेरा कार्ड लगा हुआ है, विजिटिंग कार्ड जैसे होता है, उसमें मेरे सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो लिखे हुए हैं। मेरा ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो सारे लाइक कर लें आप लोग, वो सारे फॉलो कर लें ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने कास्टिंग की, तो वो कास्टिंग मैंने अपने फेसबुक पे लगाई कि हमें इस तरह के लोग चाहिए। अभी फिर हम एक म्यूज़िक वीडियो करने लगे हैं, उसके लिए फिर हमें लोग चाहिए होंगे, मैं फेसबुक पे लगाऊंगा, इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा कि हमें ये लोग चाहिए एक्टिंग के लिए म्यूज़िक वीडियो में। या हम ये करने वाले हैं अभी, हमने सिंगर जो है वो फेसबुक से ढूंढी है, ठीक है। हमने गाना करवाना था, गाना गाना था किसी ने, तो किसी का गाना हम बना रहे थे, तो हमें एक नई सिंगर चाहिए थी, तो मैंने अपने फेसबुक पे लिखा है, तो वहाँ से फेसबुक से लोग आए हैं, ठीक है, सिंगर्स। और जो लड़की जो उस पर गा रही है वो भी फेसबुक से आई है। तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लें ताकि आपको पता चल रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो और भी चीज़ें इसी तरह की पाइपलाइन में हैं जो कि आगे जाके आपके सामने आ जाएंगी। $50 शो भी इसलिए रुका हुआ है कि मैं अपनी जगह अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी इनडोर जगह जहाँ पे इंडोर हॉल होगा वहाँ पे हम अपने शोज़ कर सकेंगे। तो $50 शो भी इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि पहले हम उसको आउटडोर में करते थे, वो हमारे घर की छत पे उसका सेट लगता था, तो वो ओपन एयर है, गर्मी बहुत थी और लाइट ऑन करते थे पतंगे आ जाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उसमें हम हॉल या स्टूडियो हायर नहीं कर सकते। अगर हम स्टूडियो हायर करेंगे तो स्टूडियो का जो ऐसा स्टूडियो खाली जो हॉल होता है जिसमें एक बल्ब भी ऑन ना हो वो 25,000 रुपये का है। 25,000 रुपये से स्टार्ट होता है कोई भी हॉल, जो स्टूडियो एवेन्यू में है या शाहनूर में है या कहीं भी बारी स्टूडियो में जो हॉल होते हैं वो 25-30,000 से स्टार्ट होते हैं, खाली एक बड़ा सा कमरा, तो ना उसमें एक लाइट भी ऑन नहीं होती, वो सारे अलग से पैसे होते हैं, जनरेटर आपका, लाइटें आपकी। तो जाहिर है कि वो तो इस शो के लिए इतने पैसे खर्च नहीं किए जा सकते, तो पहले ही उसमें अपने पास से पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, अपने रिसोर्सेज लगते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इसलिए वो उसकी 4-5 एपिसोड रहती हैं फर्स्ट सीज़न की, हमने जो शूट करनी है 10 एपिसोड तक हम कर चुके हैं कंप्लीट, 9 ऑन एयर हो गई हुई हैं, 10वीं जो है वो एडिट होनी है, और बाकी इसके अलावा 4-5 एपिसोड हैं, तो हमारा वो फर्स्ट सीज़न जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ इस वक्त, वो भी बारिशों की वजह से रुका हुआ है, कि हम लोग अपनी जगह पे चले जाएँ शूट के लिए और वो इनडोर जगह होगी, फिर हम अपने इस तरह के शोज़ जो हैं वो आराम से कर सकेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं लाइव यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जो है वो आपसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर सकूँ, और इस तरह के वेज भी हम ढूंढते रहते हैं लेकिन वक्त नहीं होता, काम बहुत करना पड़ता है और वक्त कम होता है, तो यही दौड़ जो है वो हर वक्त लगी रहती है। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।